अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं वो प्रैक्टिकल है एल्डिहाइड टेस्ट। अब एल्डिहाइड टेस्ट जो हमने करना है, अब चूंकि अगर मैं सारे सॉल्यूशंस आप लोगों के सामने तैयार करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं जो सॉल्यूशंस है इसके पहले तैयार करके रखे हुए हैं, मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास टोटल तीन तरह के केमिकल्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। एक हम लोग इसमें यूज़ करेंगे फैलेंक्स सॉल्यूशन ए, और दूसरा केमिकल हमारे पास होगा फैलेंक्स सॉल्यूशन बी। फैलेंक्स सॉल्यूशन ए, फैलेंक्स सॉल्यूशन बी और देन ग्लूकोज, इन तीनों का मिक्सचर बना लेंगे। यानी हम लोग पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग फैलेंक्स सॉल्यूशन ए डालेंगे, फिर उसी के अंदर हम लोग फैलेंक्स सॉल्यूशन बी डालेंगे, देन हम लोग इसमें ग्लूकोज डालकर इसको अच्छी तरह शेक कर लेंगे। अब ये जो मुकम्मल सॉल्यूशन बन चुका है ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। अब इसके लिए इसके साथ हमने एल्डिहाइड टेस्ट करना है। अब जो एल्डिहाइड टेस्ट होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड बेसिकली फैलेंक्स टेस्ट, इसका फैलेंक्स टेस्ट भी नाम आ सकता है, एल्डिहाइड भी टेस्ट आ सकता है। अगर तो इस सॉल्यूशन का आफ्टर हीटिंग कलर आ जाता है ब्रिक रेड कलर के, इसके अंदर प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप में से है। अगर इसमें नहीं आता, जो एल्डिहाइड में से नहीं है, तो टेस्ट का नाम है फैलेंक्स टेस्ट और एल्डिहाइड्स का हमने इसमें टेस्ट करना है। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ही ये एल्डिहाइड्स में आता है या नहीं। जी, अब हम लोग इसको जेंटल हीटिंग करेंगे और टेस्ट ट्यूब के कलर्स को हम लोग फोकस करेंगे। और इसकी हीट जो है, आप लोग इसका स्टैंडर्ड मेथड ये भी है कि आप इसको जब हीट करें तो आप इसको वाटर बाथ में रखिएगा। ये देखें जी, इसके अंदर अब येलो सा कलर आना शुरू हो गया, ग्रीन इसका कलर खत्म हो गया, जो ब्लूश ग्रीन सा था अब इसमें येलो सा कलर आना शुरू हो गया। वो येलो के अंदर अब इसमें डार्क येलो सा होता जाएगा। अब ये ब्रिक से कलर होना शुरू हो गया है, ब्रिक रेड सा। जैसे इसके अंदर ब्रिक रेड कलर अगर तो आ जाता है तो वो इसका एंडिंग पॉइंट है, अगर नहीं आएगा तो उसको मजीद थोड़ी सी देर, दो से तीन मिनट तक करके हम इसको देख लेते हैं, फिर क्लियर कर देते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड है या नहीं है। तो अब ये इसके अंदर कलर आ चुका है ब्रिक रेड। ये जो ब्रिक रेड कलर आया ये बता रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप में से है और फैलेंक्स टेस्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट परफॉर्म हो गया।